हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, शहर का माहौल काफ़ी गर्म है। ओआईटी के गलियारों में सिर्फ और सिर्फ तीन चार लोग छाए हुए हैं, आपने देखा ही होगा। तो इनको करते हैं दरकिनार, है ना, इनको डालते हैं अब बंद बस्ते में, क्योंकि अब जो है ना, ये कंट्रोवर्सी जितनी भी इन्होंने की है व्यूज़ के लिए, मैं तो व्यूज़ के लिए कहूँगी, ये जो भी ड्रामा किया गया है, अगर इसमें बर्बादी हुई है ना, तो एक ही की हुई है, और वो है हमारी जगत दीदी। बाकी पाप किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन वो माफ़ी मांग के सीधा पतली गली से निकल गए हैं, क्योंकि हमारे देश में ना पुरुष प्रधान देश है, वो कल भी था आज भी है। आदमी को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन औरत को कभी माफ़ नहीं करते हैं लोग। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि औरत गलत थी, तो आदमी भी गलत था और उसकी पत्नी भी गलत थी, जिसको सारी चीज़ें पता थी। खैर, इस वीडियो में मैं इनकी बात नहीं करने वाली हूँ, हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे पंकों के बारे में। आपको पता ही है कि पंकों की जो दुनिया है वो आजकल काफ़ी मायूस सी है। पंकों वीडियो नहीं डाल रहा, वीडियो नहीं डाल रहा, उसका मन नहीं कर रहा है पंकों का वीडियो डालने का, क्योंकि पंकों जो है ना, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इसमें अपने फ्यूचर का हश्र देख रहा है। आपको लोग बोलोगे वो कैसे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। वैसे समझ तो आप गई होगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, पंकू जो है ना, उसकी भी इमोशनल सपोर्ट है, पुरानी गाड़ी, 11 साल पुरानी गाड़ी है ना, तो उसको भी लगता है इस कंट्रोवर्सी को देखना अच्छा लगता होगा। मतलब कि अच्छा क्या लगता होगा, वो सोच रहा होगा कि मेरी गाड़ी भी 11 साल पुरानी है ना, और मैंने भी, देखिए अगर आप जगत दीदी की बात कीजिए, तो उनकी भी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, ठीक है, और जो लप्पू है वो अभी 2-3 साल शादी को, 4 साल हुए होंगे। तो इसी तरह से बंकू की शादी को भी 3-4 साल हुए हैं, और जो इमोशनल सपोर्ट है वो 11-12 साल पुरानी गाड़ी है। अब इससे भी रिलेट कर पा रहा है बंकू, इन चीज़ों से भी अपने आप को रिलेट कर पा रहा है बंकू। अब बंकू को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो गाड़ी है वो भी मुझे इसी तरह से धोखा दे जाए। बंकू ने भी इसी तरह के कर्म कांड किए हैं, और जब किसी को जाना होता है ना, तो वो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी से एकदम से फुर रो के चला जाता है। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको वापस नहीं पा सकते। तो यहाँ पे भी एक रिवेंज का माहौल बनाया गया कि भाई, अगर तू नहीं है तो तुझे मैं बर्बाद कर दूँगा, अगर तू साथ है तो आबाद है, नहीं है तो फिर बस नहीं है, ये वाला सीन था। बंकू इसको काफ़ी दिनों से गौर से देख रहा था, बंकू का मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन बंकू ने ये भी कहा कि मैं समझ सकता हूँ, माताएं बहनें बहुत बिजी हैं। एक दो कमेंट भी थे वहाँ पे माताओं बहनों के कि भाई, हमने आपको इसलिए कमेंट नहीं किया क्योंकि सारी वाइटी कहीं और बिजी है, हमने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो बंकू की माताएं बहनें मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठा के बंकू को अकेला छोड़ के बीच रास्ते में चली गई, क्योंकि भाई इतने बोरिंग जो बंकू के वीडियो होते हैं, सिर्फ माता जी, घर, मंदिर की घंटी बजाना, और फिर एक रेसिपी दिखा के लास्ट में एक ऐसा ज्ञान जो अध जल गगरी छलकत जाए, इस तरह के ज्ञान देने वाला इंसान कौन ही देखेगा, कौन ही देखेगा और कब तक देखेगा। व्यूज़ तो खैर पूरी वाइटी में सबके डाउन हुए हैं, जो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, इस कंट्रोवर्सी के कारण सबके व्यूज़ डाउन हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के हाई पे गए हैं जो इस कंट्रोवर्सी के अंदर शामिल थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई, ये जो हमारे डंकू भैया है, इनकी बात बताती हूँ। ये डंकू जो है, कल की वीडियो में इस तरह के जो ये टाइटल लगाता है, जादू टोना, कि हमारे व्यूज़ गिर गए हैं, हमारा मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, कहीं हेटर्स ने हम पे जादू टोना तो नहीं करा दिया। भाई साहब, क्या ही कहें इसके बारे में, क्या ही कहें।
क्या ही कहें भाई। इस पे जादू टोना भी इस पे नहीं हो सकता, उसका असर नहीं हो सकता। ये खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा तांत्रिक है। इस पे कोई कौन क्या जादू टोटका कराएगा। कभी कहता है भूत प्रेत, कभी छिपकली, कभी बिल्ली, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो। मतलब इसका जो दिमाग है ना, वो सेंटर में नहीं है। इसका दिमाग सेंटर में तभी आता है जब इसको व्यूज़ आते हैं। फिलहाल इसको लग रहा है कि इसका वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो इसके हेटर हैं उन्होंने इस पे जादू टोटका करवाया है। तो भाई आज मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल सही है, वाकई इस पे इसके हेटर्स ने जादू कर दिया है। जादू, जादू है नशा है ना, जादू है नशा है, वो वाला जादू नहीं किया भाई। कुछ भी हो जाए, ये अपने हेटर्स को ज़रूर याद करता है। जब भी इसके व्यूज़ डाउन होते हैं तो ये हेटर्स को कटाक्ष करता है, याद करता है, हर बात के लिए याद करता है। तो ये भी एक तरह का जादू ही है कि भाई किसी को याद करना, बिना बात पे भी याद करना, कोई भी बात हो, हेटर्स हेटर्स हेटर्स। तो ये हेटर्स ने जादू ही तो कर रखा है कि बिना बात के भी हेटर्स को बेचारा याद करता है। ये भी एक तरह का जादू है। बाकी रही वो जादू टोना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे महादेव जब, है ना, वो वाला भूत प्रेत नहीं कह रही हूँ मैं। वो वाला भूत प्रेत तो ये खुद है ऑलरेडी, ये सारी फैमिली तीनों की, माँ बहन और बेटा। खैर चुम्मा देवी अपने कामों में, अपनी जो भक्ति भाव की दुनिया है उनमें व्यस्त दिखाई जाती हैं हमेशा की तरह। और बेचारा डंकू ये भी कह रहा था कि बहुत दिन हो गए लोमड़ी को आए। हैं बंकू, सच्ची में लोमड़ी को आए बहुत दिन हो गए, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। मतलब कि तुम एक काम करो, तुम उसको यहीं पर रख लो परमानेंट, जाने ही मत दो। कभी कभी तो बेचारी ससुराल जाती है ना, वरना तो ये वो यही पड़ी रहती है। लेकिन जब वो कभी कभी जाती है तब ये कहता है कि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। इसको इतनी याद आती है अपनी प्यारी लोमड़ी की। अभी क्या है ना कि लोमड़ी कह रही है कि मेरा भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कहना है कि लोमड़ी पे भी हेटर्स ने जादू टोटका कर दिया है। तो भाई जब भी इनका मन ना करे तो सारा इल्ज़ाम हेटर्स पे, है ना, इनके व्यूज़ गिर जाए तो हेटर्स पे। बाकी मैंने कहा ना कि इसको आजकल कोई देखना पसंद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इन ये एफर्ट नहीं डालते वीडियो बनाने में। इनका एक ही पैटर्न पिछले 3-4 साल से चल रहा है कि भाई बस मम्मी दिखानी है, मंदिर की घंटी बजानी है, रेसिपी दिखानी है और फिर अपनी पत्नी को कटाक्ष करने हैं, टारगेट करना है। ये पैटर्न इनका बहुत पुराना चलता आ रहा है। लोग गए उब कि डंकू कुछ कुछ तो नया कर। अच्छा जो इसकी माताएं बहनें हैं वो भी इसके पिछवाड़े पे लात मार के आजकल सचिन मनीषा के पीछे लगी हुई हैं। उनको भी वहीं से व्यूज़ आ गए, उन्होंने तो अपने चैनल तक मोनेटाइज करवा लिए चैनल तक। तो भाई वो तुम्हें थोड़ी देखेंगी, तुम्हारी बात कर करके वो अपना ग्राफ नीचे तो नहीं लाएंगी, वो तो वही जाती हैं जहाँ उनको लाभ होता है, फ़ायदा होता है। अच्छा पीछे हमने भी थोड़ी बहुत इसकी कम बात करी क्योंकि सब के सब तो उधर जा रहे थे। हम अगर इस दौरान डंकू की बात करते और डंकू के सबसे पहली बात तो वीडियोज़ ही दो दो तीन तीन दिन बाद आ रहे हैं, तो क्या ही बात करें डंकू पे। तो डंकू को सब अकेला छोड़ के भूत प्रेत के पास, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो डंकू बेचारा उदास है, मेरी माँ बहनों ने मुझे पूछा नहीं है, वो छोड़ के चली गई। अब बात कर लेते हैं प्रीतो और उसकी फैमिली जो है, अभी जो है बग्गी अपने घर वापस आ चुकी है। तो जो फैमिली बॉन्डिंग है, जो इनका कल का वीडियो आया था प्रीतो का धूप में बैठ के, वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। लोग यही चाहते थे कि ये सब इकट्ठे होके वीडियो बनाए परिवार एक साथ, तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जादू टोटका तो यहाँ हुआ था, देखिए ना चिंदनियों ने इनका पीछा छोड़ा, परिवार एक हुआ और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। परिवार एक साथ बैठ के समोसे खा रहा है, चाय का लुत्फ ले रहा है, धूप का मज़ा ले रहा है। जब तक चिंदनिया इन पे बात करती थी ये परिवार बिखरा हुआ नज़र आ रहा था। तो जादू टोटका तो यहाँ पे हुआ है, बंकू की फैमिली पे नहीं हुआ है। जादू टोटका बंकू ने जो चिंदनियों के थ्रू
यहाँ यानी कि प्रीतो की फैमिली पे करा रखा था, उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसका असर ख़त्म होते ही इनका परिवार अकेले, सॉरी, एक साथ लुत्फ उठाता हुआ आया, अपना खाना पीना, शादी को एंजॉय करना, धूप को एंजॉय करना। तो इनके अच्छे अच्छे हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव वीडियो आ रहे हैं। लेकिन उधर पंकु की जो असलियत है वो सबके सामने है, क्योंकि उसके पास कंटेंट है ही नहीं, किसके साथ बनाएगा। बहन को गए 1 साल हो गया, आप कहोगे मैं 1 साल कह रही हूँ, क्या कहूँ, वो हमेशा यही कहता है कि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पहले मेरी बहन आई थी, और कुछ दिन बाद वो महीनों कहना शुरू कर देगा, इससे पहले मैं ही कह दूँ कि बहुत दिन हो गए। तो दोस्तों बेचारा टंकू परेशान है, क्या ही करें, बेचारी टंकू का क्या इलाज है आप ही बताना। लेकिन जो आजकल ये लिंगड़ा पिंगड़ा पपीता सब दूसरी कंट्रोवर्सी में लगी हुई हैं, तो बहुत जल्दी ये वापस आने वाली हैं इसी कंट्रोवर्सी में, क्योंकि इनके पास आपको पता ही है ना, घूम फिर के कहीं भी चली जाती है वापस यहीं आती हैं, क्योंकि इनका जो जादू टोटका है वो जैसे ही उनको लगेगा कि असर कम हो रहा है फिर से आएंगी। एक्चुअल में मैं वही कहना चाहती हूँ, जादू टोटका पंकु के थ्रू इन चिंदनियों ने प्रीतो फैमिली पे कर रखा है, जिसका तिलिस्म टूटते ही परिवार एक हो गया। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।